So hey guys, welcome back to our YouTube channel. I'm Gloria. I'm Nuwan. यार आज की मेरी वीडियो होने वाली है SRKM शाहरुख खान की लेटेस्ट जो फैन एडिट्स हैं उन पर. तो यार जो जवान फिल्म आई है बहुत ही खतरनाक है, तो उसकी भी एडिट्स अंदर होंगी. इनके फैन एडिट्स तो बहुत नेक्स्ट लेवल की वीडियो होने वाली है. वीडियो यार काफी लोग डिमांड कर रहे थे कि आप इनके ऊपर रिएक्शन करो, तो फाइनली वीडियो लेकर आज की, तो बगैर देर की वीडियो स्टार्ट करते हैं. वहाँ मैंने पहली बार शाहरुख को देखा और मैंने क्या देखा, मैंने एक दुबला पतला सा लड़का देखा, ब्राउन कलर का. उनके बाल लंबे लंबे से थे, कुछ आंखों तक आ रहे थे. मेरे पास ये हीरो लेकिन आप जब भी हम तीनों से मिलते हैं तो आप सिर्फ हम तीनों के बारे में ही एक दूसरे से बात करते हैं. ये मैंने देखा है पूरे 21 साल के अंदर. ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है. मैं आप तीनों के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ. सब इन तीनों ने प्राइवेटली हमेशा ये कहा कि हम दूसरे दोनों की बहुत इज्जत करते हैं. और सलमान ने तो मुझे ये भी कहा कि अगर कोई आकर मेरे सामने आमिर की या शाहरुख की बुराई करता है, गुस्सा आता है, उसके बाद क्या करते हैं वो मुझे मालूम नहीं है. आपसे पूछना था कि आप अपनी फिल्म्स में अपनी जो एक्ट्रेस होती है उसे आप खुद सेलेक्ट करते हैं या फिर आपके प्रोड्यूसर्स? मैंने आज तक तो नहीं किया. सर तो आपका मेरे बारे में क्या सोच? मैंने तुम्हें शुरू में ही बोला सरवत कि आज तक मैंने नहीं किया, आज के बाद मैं करना शुरू करता हूँ. इंडिया टीवी को फोन करके रजत साहब के कटघरे में आज दे सर थोड़ा सा कर दो, प्रमोट कर दो पिक्चरों को, तो बहुत मदद की है इन्होंने मेरी, शुक्रिया सर. फिर मुझे लगा इनको भी टीआरपी की मदद चाहिए होगी थोड़ी बहुत. बात तो सही है. तो मैं क्या है, जितना भी ये बता रहे थे मेरे दोस्त को थप्पड़ और ऐसे जो बदतमीजियाँ जो मैं कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, आज तक अपने लिए नहीं की है, ये सिर्फ मैंने रजत साहब के लिए की. मेरे साथ हीरोइन एक है दीपिका, शायद तुम उनको जानते नहीं होगे. यूवी जानता है. हाँ यूवी, यूवी तो जानता है, यूवी यूवी की तो बहन है. यूवी को पसंद हो गई है. आप अपने देवदास भी बन गए. जिंदगी की एक दौड़ खत्म हो गई, एक दौर खत्म हो गया. अब शाहरुख खान 40 साल के बाद क्या करना है, तो सोच रहे होंगे कि क्या करना है. तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा. या अभी भी लड़कियों के आगे पीछे भागना? नहीं, अब तो लड़कियाँ पीछे पीछे भागेंगी. आपकी उम्र में लड़कियों के आगे पीछे भागना पड़ता है, मेरी उम्र में तो लड़कियां पीछे भागती नहीं. ये जो क का किरण, हाँ, वो आज भी लोगों की जबान पर है और जब भी शाहरुख खान की बात करते हैं तो लोग वही सुनाते हैं. हाँ, और मुझे बड़ा अजीब लगता है, जैसा वो सुनाते हैं वैसे मेरी आवाज बिल्कुल नहीं है. मैं जाता हूँ, मैं अभी एक शो में गया था तो मिमिक कर रहे होंगे, आई लव यू, मेरी ऐसी आवाज है ही नहीं. बात तो सही है. ऑडियंस कैरी के बगैर जरा करके दिखा दीजिए. मैं करके दिखाता हूँ मैं तुमको यार, बिल्कुल बिल्कुल दिखा रहा हूँ तुम लोग को. वो ऐसा था, आई लव यू. और जो मिमिक्री करते हैं मेरी, एक तो पता नहीं अंगड़ाई क्यों नहीं लगते, आई लव यू. एक ब्रांड है जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं, फिर विवाद भी उनके साथ इतने ही जुड़े रहते हैं, तो विवाद उनसे क्या डरना है? बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है डरना, क्योंकि मैंने अगर कह दिया कि हाँ डर लगता है तो मुझे अब ये डर लगता है कि कहीं चैनल पे मुझे डर किससे लगता है? शाहरुख खान डरते हैं क्या? आप ही क्या चैनल देखा अभी थोड़े दिन पहले, आज तक है ना? हाँ, आज तक मैंने सुना शाहरुख खान को ही क्यों डर लगता है. डर अबे तुम्हारी ऐसी नहीं कैसी. काम करते करते आपकी सात बार सर्जरी हो चुकी है, शोल्डर हिला हुआ है,
नेक टूटा हुआ है, बैक फूटा हुआ है, घुटनों में चोट है, पैरों के अंगूठे हिले हुए हैं, और फिर भी मैं देख रहा हूँ कई दिन से आप टीवी पर डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, फैन से मिल रहे हैं 18-18 घंटे। हाँ, तो आप ये सोचिए कि इतना तबीयत नासाज होने के बाद मैं बादशाह हूँ, अगर नहीं होती तो क्या होता। मैंने बताया इस चक्कर में नेक्स्ट लेवल है, वरना इतना अच्छा खिलाता था। लेकिन जब शाहरुख खान की बात की वैसे बहुत ये थी कि मीडिया कोई भी दिखाते हैं। हाँ, सारी जगह पे ऐसी कॉपी करते रहते। और मैं अच्छा, मैं अभी क्या है, शरीफ हो गया हूँ, मैं ज़्यादा डांटना नहीं चाहता, तो मैं बड़े ताली बजाता हूँ और दिल दिल में कहता हूँ यार ये ताली के नीचे तेरा फेस आ जाए। वन लास्ट क्वेश्चन सलमान दिस साइड, sorry Shahrukh this side, because you were talking about Salman. I'm extremely sorry, but what's your time constraint? I don't know where are you speaking from. Shahrukh this side. Ah, ho kahan? Yahan. I'm literally sorry because yeah, Lipika here. I'm literally sorry. Don't worry, Dipika, it's all right. Lipika. Oh, I'm so sorry, Dipika. बॉलीवुड के किसी सुपरस्टार ने आपको बॉलीवुड का किंग कहा है, किंग खान कहा है, तो कुछ कहना चाहेंगे आप या प्रिविलेज फील करते हैं आप अपने आप को? नाम लेने की तो हिम्मत होनी चाहिए उस स्टार की। सलमान खान, शाहरुख सलमान खान है वो जो ऐसा कहते हैं, सलमान खान है। तो सुन लिया, आप तो सुन लिया दोस्त, कितनी बार चलाया। Sir, my name is Kabir and I want to ask, what is the correct rate of your Lumia in Chennai Express? 34,449 ऐसा कुछ था, but तुम अपना नाम बताओगे और पता बताओगे तो तुमको जो नया लूमिया है मैं वैसे ही भिजवा दूंगा। मेरा एड्रेस है न्यू दिल्ली, मयूर विहार फेज 1, दिल्ली पुलिस अपार्टमेंट 14G, दिल्ली 91। ऐसा भी लगता है कि आपसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। अच्छा, और लेकिन लड़कियाँ मुझे नहीं देखती। बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं ना लड़कियाँ, उनको पूरी तरह नहीं देखती क्योंकि शर्मा जाती हैं उनसे। अगर मेरे जैसा थोड़ा सा ना ऐसे फटे हाल हो तो लड़कियाँ बहुत प्यार करती हैं। लड़कियों के दिल में एक ममता होती है, तो जब भी ऐसा गुर्बत ज्यादा चेहरा देखती हैं कि बेचारा शाहरुख। अगले जन्म में आप क्या बनना पसंद करेंगे, अमिताभ सर, मधुबाला जी, सचिन तेंदुलकर, क्या दिलीप कुमार सर? मुझे दिलीप साहब की आंखें मिल जाएं, अमित जी की आवाज मिल जाए, सचिन के हाथ मिल जाएं, और मधुबाला जी की टोटल खूबसूरती और डांस करने के अंदाज मिल जाए। बैंक बैलेंस किसका मिले? अरे ये चारों चीजें मिलेंगी तो बैंक बैलेंस तो खुद ही आता रहेगा। आमिर खान की जगह आपके साथ सफर में किसी एक को भी हर्ट नहीं किया, सफर बिना आपका। दूसरा सवाल ये है कि क्या तीनों आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान कभी तीनों एक फिल्म में देखे जा सकते हैं? आप अफोर्ड कर सको तो ऑफर कर दो बेटा, चट्टी बनियान बिक जाएगी तीनों को साइन करते करते। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मैं क्या करूँ यार, वो करेंगे शादी, वो मजे करेंगे, वो करेंगे बच्चे, मैं क्या करूँगा, मैंने जो करना था कर चुका हूँ, बार बार शादी करता रहूँ, ऐसे थोड़ा होता है। बार बार अब आपकी अदालत में कहते हैं जनता जानना चाहती है, जनता जानना चाहती है, जनता जानना चाहती है, आज तक जनता की हिम्मत तो नहीं है हम दोनों से कुछ पूछने की। इसीलिए जनता ने मुझे अपना वकील नियुक्त किया है, आप जैसे लोगों को पकड़ने के लिए, आप जैसे लोगों से सवाल पूछने के लिए, आपकी हरकतों को जनता के सामने एक्सपोज करने के लिए, आपके वानखेड़े स्टेडियम को, आपके इश्क को, आपकी सारी बातों को। दिल्ली बुला के डरा रहे हो, दिल्ली बुला के डरा रहे हो। बहुत ही सही यार, बहुत ही मजेदार वीडियोस थी और दिल खुश हो गया वीडियोस को देख के। अच्छा, काफी मजे की वीडियोस थी यार, आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियोस कैसी लगी, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, हमारी आईडी यहां पर मेंशन है, जहां आप फॉलो करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर।